बहरहाल अगर अब तुम मेरी जिंदगी में आ ही गई हो मजबूरी के तहत ही सही, तुम्हें इतना बताना फर्ज समझता हूं कि मेरी एक ही कमजोरी है, मेरी बेटी जिम्मे। बहुत से रिश्ते जिन्हें हम अपनी ताकत समझते हैं, दर हकीकत वो हमारी कमजोरी होते हैं। मेरे लिए भी मेरे माँ बाप मेरी वाहिद कमजोरी है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा या कोई मुंह दिखाई दूंगा तो ऐसा नहीं, मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। माया, मेरा दिल बिल्कुल खाली है, इस कमरे की तरह वीरान। इसमें मजीद अब किसी के साथ कनेक्शन बनाने की गुंजाइश नहीं। तुम जैसी लड़कियों ने इसमें कुछ छोड़ा ही नहीं। तुम इस घर में इसलिए आई हो क्योंकि मामा तुम्हें पसंद करते हैं। उनका दावा है कि तुम एक बहुत ईमानदार और लालच से पाक लड़के हो। उनको तो बहुत एतमाद है तुम पर, लेकिन मुझे नहीं। भरोसे के काबिल तो मर्द के साथ भी नहीं होती, बल्कि मुझे तो एतबार से ही खौफ आता है, क्योंकि जब ये टूटता है तो मैं टूट जाता हूं। और बार बार इस अजियत से गुजरने से बेहतर है बंदा उस तरफ जाएगा। बिल्कुल ठीक, मगर मेरे घर में बस एक कब्रिस्तान और वैरानी की खुशबू ने मुझे आपकी दुनिया में ला खड़ा किया, वरना एतबार करके फिर से टूटना कौन कम बख्श जाता है। बहरहाल अगर अब तुम मेरी जिंदगी में आ ही गई हो मजबूरी के तहत ही सही, तुम्हें इतना बताना फर्ज समझता हूँ कि मेरी एक ही कमजोरी है, मेरी बेटी जिम्मे। बहुत से रिश्ते जिन्हें हम अपनी ताकत समझते हैं, दर हकीकत वो हमारी कमजोरी होते हैं। मेरे लिए भी मेरे माँ बाप मेरी वाहिद कमजोरी है। जिंदगी में आज तक जो भी रिश्ता बनाया है उसे निभाया है, और तुमसे भी जो रिश्ता बन गया उसे पूरी तरह निभाऊंगा। मैं भी आपसे रिश्ता हर हाल में निभाऊंगी। रुपया, पैसा, आजादी, जो भी तुम्हें चाहिए सब मिलेगा। वफा, खिदमत और फर्माबरदारी से लेकर जान तक सब मिलेगी। मेरा माजी एक खुली किताब की तरह तुम्हारे सामने है। You know everything. मेरे माजी को छुपाने की शर्त ने और अब्बा की कस्मों ने मेरी जबान पर ताले डाल दिए, वरना माजी को छुपाने के हक में तो मैं भी नहीं थी। लेकिन तुम्हें इतना बता दूं, मैं एक और डिवोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरी भी सारी कश्तियां चली हुई हैं। लिहाजा हम दोनों को ही इस रिश्ते को निभाना है, और मुझे लगता है वो तभी हो सकता है जब हम एक दूसरे से कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें। अजनबियों की तरह। सो बेहतर यही होगा कि ये मेकअप शेकअप गेटअप वगैरह उतार दो, हम दोनों एक दूसरे को अपना असली चेहरा दिखाएं तो बेहतर। चेंज करना चाह रहा हूं।